ये क्या हो रहा है? खाने का सामान कोई ऐसे फेंकते हैं? अब गिरी है ना बेचारे बच्चे के कपड़े पे। छोटी जाति का गरीब छात्र है, किताब कॉपी के पैसे भी जैसे तैसे जोड़ता होगा बेचारा, और तुम सब उसके कपड़े गंदे करते हो। इनके पास ले देकर दो ही जोड़ी तो कपड़े होते हैं, हाँ? अब ये कल क्या पहनकर आएगा कॉलेज में? और तुम चुपचाप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाओ जाकर प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर दो इनकी। इतना तो मानते हैं तुम्हें प्रिंसिपल सर। भाई मुझे तो विश्वास है हमारी तरह इन्हें भी कारण बताओ नोटिस दे देंगे। तुम लोग जाओ यहां से। ये लोग ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर सकते हैं? तुम्हें इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करनी चाहिए और ऐसे छात्रों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लोग तुम्हारा अपमान कैसे कर सकते हैं? गुरुजी, अपमान तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख सुन और सह रहा हूँ, लेकिन गुरुजी इस वक्त मैं अपमान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ। सिर्फ बड़ी और भारी वस्तु ही नहीं, जब हम एक चादर को झाड़ते हैं तो उससे धूल के छोटे छोटे कण जमीन पर आकर गिरते हैं। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। गुरुजी ने कक्षा में जो गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ाया था उसने यहाँ काम कैसे नहीं किया? मतलब गुरुजी, नरोत्तम जोशी ने जो खाना मुझ पर फेंका उस पे गुरुत्वाकर्षण बल ने काम ही नहीं किया, या फिर उसके फेंकने का जोर इतना ज्यादा था कि खाना जमीन पर गिरने के बजाय सीधे आकर मेरे कमीज पर गिर गया और बाद में जमीन पर गिर गया। तो गुरुजी, ऐसे बल को क्या कहा जाए जिसमें कोई भी मनुष्य किसी चीज को अपनी इच्छा से गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद वांछित स्थान तक पहुंचा देता हो? तुम्हें ये सवाल अपने विज्ञान वाले सर से जरूर पूछना चाहिए। चलो घर चलते हैं। जी भैया, एक पैसे की मिर्च और एक पैसे का पालक देना। लगता है कि छोटी जात वाली है। ओ, तुम यहाँ पे सब्जी खरीदने कैसे आई? ए, चल दूर। क्या हुआ काकी? मुझे सब्जी खरीदने दीजिए ना, चाहे मैं जिस जात की हूँ किसी को परेशान तो नहीं कर रही हूँ। ए काकी, किसको बोली तू? चल दूर। छोटी जाति की, हाँ? चल चैन निकाल के दे मेरी। मैं क्यों निकालू? आपकी चैन मेरे कारण नहीं, इनके कारण गिरी है। अरे तू यहाँ आई ही क्यों? मैं तो यहाँ सब्जी खरीदने आई थी। तेरी सब्जी गई नाले में, तू पहले मेरी चैन निकाल के दे। चल। आपकी चैन मेरी गलती से नहीं गिरी है, मैं नहीं निकालूंगी। अरे गलती किसी की भी हो, है तो तू ऐसी ही जात की ना, और फिर तुम लोग गंदगी वंदगी में जाते रहते हो, तो इस नाले में जाने को तेरे क्या दिक्कत है? चल निकाल के दे, चल। मैं नहीं निकालूंगी। आज मैं भी देखती हूँ कि तू चैन निकाले बिना कैसे यहाँ से जाती है। चल छोड़िए, छोड़, 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 छोड़। चल निकाल के दे, चल निकाल के दे मेरी चैन।
क्या हो रहा है ये सब? आप मेरी पत्नी के साथ ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो तू है इसका पति, ठीक किया तू भी आ गया। एक काम कर, तो इस नाले में घुस के चैन निकाल कर दे दे। नहीं। तो हम तेरी पत्नी को छोड़ देंगे, चल निकाल कर दे। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने देख कर मारा और ये सब हो गया। देखिए, आप लोगों को हमसे, हमारी जाति से, हमारे छूने से इतनी घृणा होती है, तो आपने इसे धक्का ही क्यों दिया? और अगर आपको हमसे इतनी घिन आती है, तो क्या इस नाले में निकली चेन से घिन नहीं आएगी? इस बदबूदार नाले से निकली हुई चेन को आप फिर से गले में कैसे पहन सकती है? चल रमा घर। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे छोड़ो मुझे रमा, छोड़िए ना मुझे रमा। ऐसे कैसे जाने देंगे? जब तक मुझे मेरी चेन नहीं मिलेगी ना, तो कोई कहीं भी नहीं जाएगा। छोड़िए। तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, तू चैन निकाल कर देगा या नहीं? चाहे आप मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन उस गंदे नाले से मैं चैन नहीं निकाल सकता। तुम्हारी जान लेकर हम क्या करेंगे? छोटी जात के होकर गंदगी में जाने से मना करते हो? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। रुक, अभी तेरी अकड़ उसी गंदगी में निकालता हूँ। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? इसी गंदगी में जाकर चैन निकाल कर दो, वरना ये सारी गंदगी तुम्हारी पत्नी पर डाल दी जाएगी। फिर ऐसे ही जाना अपने घर, और रास्ते में तुम्हारी पत्नी को कीचड़ से सने कोई देखे तो कहना कि तुम अपनी हैसियत भूल गए थे। मत कीजिए ऐसा, रुकिए ना, छोड़ो मुझे, रुकिए ना आप, रुक जाइए। आपको चैन चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा आपको गंदे नाले से वो चेन। नहीं, आप नहीं जाएंगे उस गंदे किचन में। नहीं रमा, जात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा पति हूं और पति होने का कर्तव्य जानता हूं। मैं ला कर दूंगा वो चेन। छोड़िए मुझे। वो कहीं नहीं जाएगी जब तक मुझे मेरी चेन ना मिल जाए, और वैसे भी घर जाकर तो शुद्धिकरण करना ही है। तुम्हें पौधे लगाना पसंद है ना? देखो बेटा, तुम्हें जो पसंद है वही करो, अगर उसे करने में तुम्हें वो भी करना पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं हो, तो वो भी करो, लेकिन पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो। बाबा, आपकी बातें मुझे कई बार समझ में ही नहीं आते। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जब भी कभी ऐसी घटना तुम्हारे सामने आएगी ना, तो बाबा की ये बातें तुम्हें हमेशा याद आएगी और मदद भी करेंगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से हुआ है? तुम्हें तो दुर्गंध की आदत हो गई होगी।
देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा, वो तुम भी हो सकते हो। चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सब संसार, ताके अंग लपटा रहे, मन में नहीं। रुक जा, तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रही हो? होने दीजिए, आप क्यों उस कीचड़ में चले गए? आपको उस कीचड़ में देखकर ऐसा लग रहा था कि आपके साथ मैं भी उस कीचड़ में घुसते जा रही हूँ। तुम डूबे तो जैसे मैं भी डूबी। जितनी तकलीफ आपको अंदर जाकर हो रही थी, उतनी तकलीफ मुझे बाहर हो रही थी। तो आपके कपड़े गंदे हुए तो मुझे भी होने दीजिए, और जैसे आप वैसे मैं। रमा, रो मत। चलो यहां से। कहाँ जा रहे हैं? यही पास में। लेकिन क्यों? वैसे भी घर जाने में देर हो रही है। बात तो सही है, लेकिन ऐसी हालत में घर तो नहीं जा सकते ना रमा। वहां सब लोग सौ सवाल करेंगे,
और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और सच तो मैं बता नहीं सकता। रमैया, जात पात का कीचड़ हर जगह एक जैसा है, चाहे वो सातारा हो या ये बंबई। लेकिन अभी मैं बाबा और आनंद भैया को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन इन कपड़ों में जाएंगे कैसे? क्या कह के गई थी, कब तक आएगी? कह के तो गई थी कि तुरंत आ जाएगी, लेकिन काफी देर हो गई। पूरी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। बड़े बूढ़ों ने कई बार समझाया, फिर भी समझ में नहीं आता। आज आपको देखकर बात पता चली कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। कैसा होता है? आज मेरे लिए आप नाले में उतरे, मुझे भी इसी तरह आपके लिए हर नरक सहना होगा। को देखकर ऐसा लगता है कि जब दुख मिलकर सहा जाए तो दुख दुख जैसा नहीं होता। अरे भीम, तुम यहां? काका आप? अरे भीग गए क्या बारिश में? हाँ वो थोड़ा। एक काम करो, गर्मा गर्म मूंगफली खाओ पहले तुम। नहीं 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 काका, रहने दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो अपनी बिटिया को खिला रहा हूं। अरे ले लो, तुम्हारी पत्नी मुझे पहली बार मिली है तो ये मेरी तरफ से मुफ्त समझो। पर वैसे भी अगर तुम्हें देता तो पैसे लेकर ही देता मैं। धन्यवाद काका। ठीक है, मिलता हूं बिटिया। एक बात नहीं समझी, आपको ये मूंगफली वाले जानते हैं? मतलब आप रोज आते हो यहाँ? नहीं। मतलब आप रोज यहाँ मूंगफली खाने आते हो? नहीं रमा। वो भी अकेले अकेले? सुन तो लो, रुक जा, मुझे बोलने तो दो, सब समझाता हूँ। ये मूंगफली वाले काका मुझे एक बगीचे में मिले थे, तब से हमारा एक अलग रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया है मतलब? मतलब देखो, दिन में हमारे घर में तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो अक्सर कॉलेज से निकल कर एक बगीचे में जाकर पढ़ाई करता हूँ। वहाँ ये मूंगफली वाले काका आते हैं, और पता है उसी बगीचे में मैं केलुस्कर गुरुजी से भी मिला था, वो भी वहाँ एकांत में पढ़ाई लिखाई करने आते हैं। तो हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, लेकिन हमारा संबंध तब और गहरा हो गया जब मैंने मैट्रिक पास किया था और हमारी जाति के लोगों ने मेरा सम्मान किया था। उस सम्मान समारोह में केलुस्कर गुरुजी भी आए थे। रमा, मैं एक दिन जरूर तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगा। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो नाला भी पवित्र हो गया होगा जिसमें आप गए थे। चलो घर। घर पर क्या कहूँ ये भी बता दीजिए कि इतनी देर क्यों हो गई। तुम्हारी सास को कह देना, पति के साथ बगीचे में मूंगफली खा रही थी।
लेकिन आई को मूंगफली वाली और बगीचे वाली बात बताई तो आई और डांटेंगी। तो क्या हुआ, पति के लिए इतना तो सुन सकती हो ना? पति मेरे लिए नाले में जा सकता है तो मैं भी पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कब आएगी रमा? बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई है रमा? सब जने रमा को अपना अपना काम बोल के ना अब अटक गए हैं। आज के उनके घर में खाना वाना नहीं बनेगा, सब ओकरे रास्ता ताक रहे हैं। अरे तो तू बाहर जाके देखना कहाँ है रमा। कोई जरूरत नहीं है, इतनी चिंता होती तो आ जाती समय पर। खाना बनना बाकी है अभी, और जिसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं उसे पकड़ पकड़ कर नहीं लाएंगे। तुम दोनों मौका ही ढूंढते रहती हो क्या? आ गए भीमा और रमा। अरे रमा जल्दी चल, सामान ले आई? हाँ। दे मेरी सब्जी। हमरा रंग लाई कि भुला गई? लाई हूँ तो। हाँ लाओ। रमा बहुत देर हो गया आने में तुमको। छोटी जाति की, चल चैन निकाल के दे मेरी। मैं क्यों निकालू? आज मैं भी देखती हूँ कि तू चैन निकाले बिना कैसे यहाँ से जाती है। चल छोड़िए, छोड़ 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 छोड़। भीम के साथ आ रही है? क्यों रमा, भीम के कॉलेज गई थी? अभी इसी गंदगी में जाकर चैन निकाल कर दो, वरना ये सारी गंदगी तुम्हारी पत्नी पर डाल दी जाएगी।